गुरुवार आरजेडी प्रमुख लालू यादव की रांची के सीबीआई कोर्ट में पेशी की गई। ये पेशी उन पर चल रहे चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा कोषाघार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले की वजह से हुई थी। बता दें कि लालू चारा घोटाला सहित अन्य चार मामलों में सजा काट रहे हैं। सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान लालू से कई सवाल पूछे गए। बता दें कि सवालों के जवाब देते हुए लालू बुरी तरह कांप रहे थे। सीबीआई के विशेष जज सुधांशु कुमार ने लालू से करीब 2 घंटों तक पूछताछ की। जज द्वारा पूछे गए सवाल पर लालू ने कहा कि सीबीआई द्वारा जितने वाउचर जब्त किए गए हैं सभी की अलग कहानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब ट्रेजेडी अफसर और महालेखाकार ने मिलकर किया है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था और ये बात विरोधियों को हजम नहीं हुई, जिसके चलते मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन सब का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दीपेश चंडोक और अफसर आर के दास है और उन्होंने ही सीबीआई वालों को सरकारी गवाह बनाया है। उन्होंने चंडोक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अकेला ही 600 करोड़ रुपए निगल चुका है। लालू ने कहा कि सीबीआई ने तो उनकी बेटियों के एडमिशन के 51,000 रुपयों, जिनका उनकी पत्नी यानी राबड़ी देवी ने इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखा दिया था, उस पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा कर दिया। साथ ही छठ पूजा पर फल शक्कर और सूप पर खर्च हुए पैसों को भी सीबीआई वालों ने केस में लिख दिया। आपको बता दें कि सुनवाई के अंत में कोर्ट के खाली होते ही लालू ने जज से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। जब कोई मुख्यमंत्री ट्रेजेडी अवसर से 10 रुपए नहीं मांग सकता तो भला मैं कैसे करोड़ों ले सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस पर अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। अब देखना ये होगा कि लालू उन पर लगे चारा घोटाले के आरोप से खुद को बचा पाने में कितना सक्षम होते हैं। एलडी न्यूज रूम से भावना की रिपोर्ट।